यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित पॉलिटेक्निक चौराहे पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद अपनी कार्यशीलता बनाए रखने के लिए मीडिया जगत के पत्रकारों को सम्मानित किया और इस संकट की घड़ी में भी जनमानस से जुड़ी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करने के लिए अपना आभार व्यक्त किया। इस दौरान प्रसपा के महानगर अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि पत्रकार जगत से जुड़े मीडिया कर्मी अपने जीवन की चिंता किए बिना महामारी के दौरान भी लगातार जनमानस की सेवा कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। इसी के चलते इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किए जाने के साथ ही प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान जहाँ एक तरफ पूरे भारत में सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की और देश की पुलिस काम कर रही है आम जनता के लिए, वहीं पर इस देश का और प्रदेश का हमारे लखनऊ शहर के मीडिया जगत के वो तमाम साथी जो अपने जान को जोखिम में डाल करके आम जनता की बातों को, आम जनता की समस्याओं को, उनके दुख दर्द को सरकारों तक पहुँचाने का काम करते हैं, आज संगठन के द्वारा उन तमाम पत्रकार भाइयों का जो दूसरे को सम्मान देने का काम करते हैं, दूसरों के दुख दर्द को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं, लोगों के द्वारा किए जा रहे कार्य को देखते हुए समाज में आप लोगों ने ना अपने घर में, आजकल लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और आप लोग अपने परिवार को छोड़कर, परिवार के परिवार लिए बगैर आप लोग अपनी जान जोखिम में डालकर समाज हित में कार्य कर रहे हैं। इसीलिए प्रति समाजवादी परिवार ने किया है कि आपको सम्मानित करके हम लोग अपने आप को बहुत महसूस कर रहे हैं और आप लोग जल्दी की कामना करें। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ धीरेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव, जनमत न्यूज लखनऊ।